सो हे गाइज, क्या आप भी इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो और इंस्टाग्राम पर अपलोड करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना है कुछ ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए। तो कुछ इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। पहली होने वाली है हमारे यहाँ पर पिक्सल ऐप, दूसरी होने वाली है एलाइट मोशन। तो पिक्सल ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, एलाइट मोशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। सो हे गाइस, सबसे पहले आपको पिक्सल ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कैंसिल पर क्लिक करना है। कैंसिल पर क्लिक करने के बाद ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इमेज साइज पर क्लिक करना है। इमेज साइज यहाँ से हटाकर आपको यहाँ पर 2400 कर देना है, जैसे मैं कर देता हूँ। ओके कर देना। ओके करने के बाद टेक्स्ट को ऊपर कर देना थोड़ा, जैसे मैं कर देता हूँ ऊपर। ऊपर करने के बाद आपको फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इधर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इस वाली पीएनजी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से इसे सेट कर लेना है, जैसे मैं सेट कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से सेट करना है आपको। सेट करने के बाद यहाँ पर नीचे से आपको तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन को इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको ये एक दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको ब्लैक कर देना है, पूरा बीच वाली लाइन को। यहाँ पर ब्लैक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको कर देना है, सही कर देना है। सही करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको इस कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसे इनेबल करना है। इस पर यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसे मैं बता देता हूँ। यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इधर एक कोने में क्लिक करना है, जैसे मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर व्हाइट कर लेना है। पहले मैं कर लेता हूँ जैसे व्हाइट कलर, जैसे मैं व्हाइट कलर कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से आपको कलर कर लेना है। कलर करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको इधर की साइड भी इस कोने में क्लिक करना है, जैसे यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का कलर सेट कर लेना है, जैसे आपको मैं कर रहा हूँ। कुछ इस तरह का सेट करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको इस तरह से कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से करने के बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है, जैसे मैं कर देता हूँ। पहले ओके पर क्लिक कर देता हूँ, फिर सही कर देना है। यहाँ से सही करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद इस वाले ऑप्शन को इनेबल करना है, जैसे मैं इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद इस वाले कलर को सिलेक्ट करके सही कर देना है। सही करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन को भी इनेबल करना है। इस वाले ऑप्शन को भी इनेबल करने के बाद यहाँ पर इस वाले कलर को सिलेक्ट करके इसको सही कर देना है। सही करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा ये पीएनजी हो जाएगी। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर टेक्स्ट पर डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद यहाँ पर आपको लिख लेना है जो लिखना चाहते हो आप। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कमिंग सून। कमिंग सून लिखने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर नीचे से ए वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं कुछ इस तरह सेट करने के बाद नीचे से ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको कलर वाले ऑप्शन में जाना है। कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको इस वाले कलर को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। हमने अभी वो कलर बनाया था, उस वाले कलर को सिलेक्ट करके आपको फॉन्ट में जाना है। फॉन्ट में जाने के बाद आपको यहाँ से फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको सही कर देना है। सही करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। इस वाले ऑप्शन को इनेबल करना है, देख सकते हो कुछ इस तरह से। इस वाले ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आपको इस वाले कलर को सिलेक्ट करना है, जैसे मैं कर देता हूँ। यहाँ पर ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पर कुछ इस तरह का कलर सिलेक्ट करने के बाद आपको सही कर देना है। फिर कुछ इस तरह का कलर यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर सही कर देना है। फिर कुछ इस तरह से होने के बाद आपको फिर से यहाँ पर एक बार स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन को इनेबल करना है, देख सकते हो कुछ इस तरह से। आपको इस वाले ऑप्शन को इनेबल करने के बाद सही कर देना है। सही करने के बाद आपको कुछ इस तरह से सेट कर लेना है, जैसे मैं सेट कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से सेट करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से आपको ऊपर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसे मैं प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। फ्रॉम गैलरी में जाना है। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद आपको इस वाली पीएनजी की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको नीचे तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसे इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको एक दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर इसको ब्लैक करना है। ब्लैक करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इसे सेट कर लेना अपने हिसाब से। सेट करने के बाद नीचे लेके आना। नीचे लेके आने के बाद थोड़ी साइज को छोटा करना है, जैसे मैं साइज को छोटा कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से साइज को छोटा करने के बाद यहाँ पर सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन में जाना है। कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको इसे इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसे मैं कर देता हूँ एक बार नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक। यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको हमने कलर बनाया था, उस वाले कलर को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। सही करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन को इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद इसमें भी इस वाले कलर को सिलेक्ट करके सही कर देना है, जैसे मैं कर देता हूँ। सही करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। आपको इस वाले ऑप्शन को भी इनेबल करना है, जैसे मैं इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद सही कर देना है।
जैसे मैं सही करता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारी ये PNG बनकर रेडी हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे से यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिख लेना है हैप्पी। हैप्पी लिखने के बाद कुछ इस तरह से आपको नीचे लेके आना है। नीचे लेके आने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको इसे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद ओके यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पर जाना है। कलर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पर जाने के बाद कलर को सेलेक्ट करके सही कर देना है। सही करने के बाद फॉन्ट में जाना है। फॉन्ट में जाने के बाद माई फॉन्ट में जाना। माई फॉन्ट में जाने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ से आपको एक फॉन्ट को ले लेना है। जैसे मैं ले लेता हूँ फॉन्ट को। फॉन्ट को लेने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन को इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद इसको सही करना है। फिर इस वाले ऑप्शन को भी इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद इसमें कलर को इसको सिलेक्ट करके सही कर देना है। सही करने के बाद कुछ इस तरह से हमारी PNG बन कुछ इस तरह से टैक्स हो जाएगा हमारा। इसके बाद आपको कुछ सही तरीके से सेट कर लेना है आपको अपने हिसाब से। सेट करने के बाद जैसे मैं सेट कर रहा हूँ कुछ इस तरह से सेट करने के बाद फिर से आपको नीचे प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं बता देता हूँ एक बार यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे मैं बता देता हूँ एक बार पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिख लेना है। आपको जो भी लिखना चाहते हो वो लिख लेना है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ महाशिवरात्रि। यहाँ पर लिखने के बाद कुछ इस तरह से इसको सेट करना है। सेट करने के बाद कलर पर जाना है। कलर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद इसको नीचे वाले ऑप्शन पर जाना है। नीचे वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ से आपको इस वाले कलर को सिलेक्ट करके सही कर देना है। सही करने के बाद स्क्रॉल करना है। इस वाले ऑप्शन में कलर फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाना है। फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद माई फॉन्ट में जाना है। माई फॉन्ट में जाने के बाद कुछ इस तरह से नीचे लेके आना है। नीचे लेके आने के बाद इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट करके सही कर देना है। सही करने के बाद आपको इस दोनों ऑप्शनों को इनेबल करना है। जैसे मैं कर देता हूँ पहले इस वाले ऑप्शन को इनेबल करके सही कर देता हूँ फिर इस वाले ऑप्शन को इनेबल करके सही कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारा ये भी टैक्स हो जाएगा। इसके बाद आपको सही तरीके से सेट कर लेना है आपको इसे। जैसे मैं सेट कर रहा हूँ। सेट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ सही तरीके से सेट कर लेना है फिर से इसको। फिर इसके बाद आपको नीचे प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पर पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी का नाम लिख लेना है। जैसे मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी का नाम लिख रहा हूँ तब तक वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर ले। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। तो कुछ इस तरह से नाम लिख लेते हैं हम यहाँ पर हमारे इंस्टाग्राम आईडी का नाम। यहाँ पर कुछ इस तरीके से नाम लिखने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से नाम लिखने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके से नीचे लेके आना है। नीचे लेके आने के बाद यहाँ पर सेट करना है। सेट करने के बाद स्क्रॉल करना है। कलर वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन में नीचे जाना है। नीचे से कलर वाले ऑप्शन में कलर दे देना है। कलर देने के बाद यहाँ से आपको इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद यहाँ से इसको भी कलर दे देना है। कलर देने के बाद सही कर देना है। जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पर सही करने के बाद इस वाले ऑप्शन को भी इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पर इसको भी सही कर देना है। सही करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाना है। माई फॉन्ट में जाना है। माई फॉन्ट में जाने के बाद यहाँ से आपको एक फॉन्ट को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। इस वाले ऑप्शन को इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद इसको भी सही कर देना है। देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पर बन चुका है। इसके बाद आपको सेव करने के लिए नीचे से चौथे वाले नंबर पर क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करने के बाद ऊपर से सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही सेव इमेज पर क्लिक करना है। सेव इमेज पर क्लिक करते ही इस डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको एक बार डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अल्ट्रा कर देना है। इसे अल्ट्रा करने के बाद सेव टू गैलरी कर लेना है। सेव टू गैलरी होने के बाद आपको ऐसे जैसे बीच वाले ऑप्शन से हटाना है। हटाने के बाद आपको एलाइट मोशन ऐप में आना है। एलाइट मोशन ऐप में जैसे कि मैं आ जाता हूँ एलाइट मोशन ऐप में। यहाँ पर एलाइट मोशन ऐप में आता हूँ। एलाइट मोशन ऐप में आने के बाद इसे ओपन होने देना। कुछ टाइम लेता है। इसके बाद ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर ओपन होने के बाद यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे मैं बता देता हूँ एक बार इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना है। 9 to 60 सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद आपको नीचे से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर से जैसे प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से उस वाली PNG को ले लेना जो हमने बनाई थी। उस वाली PNG को लेने के बाद यहाँ पर एक बार आपको देख सकते हो उस वाली वो वाली PNG आ चुकी है। उसके बाद आपको एक बार स्क्रीन पर क्लिक कर देना कुछ इस तरीके से सेट करके। सेट करने के बाद आपको एक बार स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। फिर से क्लिक करने के बाद प्लस वाले ऑप्शन पर जाना है। प्लस वाले ऑप्शन में जाने के बाद मीडिया वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको एक इस वाली वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे 10 सेकंड की रख लेना है। जब तक कि हम यहाँ पर 10 सेकंड कर लेते हैं इसको। करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसका इधर का साइड का भाग कट जाएगा। इसके बाद आपको एक बार अपने PNG वाली लेयर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये दोनों लेयर समान हो जाएंगे। इसके बाद आपको अपने उसी वाली लेयर पर क्लिक करना है। जैसे हमने वीडियो वाली लेयर ली थी बैकग्राउंड वाली, उस वाली लेयर पर क्लिक करना है। जैसे मैं कर देता हूँ एक बार। लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं बता देता हूँ एक बार इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन कर देना है।
स्क्रीन करने के बाद आपको यहाँ से सही कर, यहाँ पर एक बार स्क्रीन पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो उसका बैकग्राउंड हो चुका है। उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ से कट कर देना है ऊपर की वीडियो को, जैसे मैं कर देता हूँ एक बार यहाँ पर कट कर देते, थोड़े से हम देख लेते कहाँ पर इसका नाम आ रहा है, कुछ यहाँ से हम कट कर देते, जैसे कि एक बार स्क्रीन पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं इस वाली वीडियो पे। क्लिक करने के बाद हमको इसका इधर का भाग को कट कर देना है, फिर इसके भाग को कट कर देना है। कट करने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इसके बाद हमें बैक करना है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देख सकते हो उस वो भाग कट हो चुका है। उसके बाद हमें बैक करना है, बैक करने के बाद प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है। प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको इस वाली XML फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इस वाली XML फाइल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट पे जाना है, थ्री डॉट पे जाना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद हमें उसी वाली प्रोजेक्ट में चलना है जो हम पहले बना रहे थे। उस वाली प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर PNG वाली लेयर पर क्लिक करना है। जैसे मैं एक बार PNG वाली लेयर पर क्लिक करता हूँ, PNG वाली लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं एक बार इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, पेस्ट कर देना है यहाँ से। कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पर वीडियो बनकर रेडी हो जाएगी। पेस्ट करने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको इसमें सॉन्ग ऐड करना है। इसके लिए आपको नीचे से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देख सकते हो मैं यहाँ पर एक बार यहाँ पर फिर से दिखा देता हूँ। इसके बाद आपको नीचे प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ से आपको सॉन्ग ले लेना है, जब मैंने पहले वाली वीडियो में लगाया था उसी सॉन्ग को ले लेता हूँ मैं। लेने के बाद यहाँ पर आपको उसी वाले सॉन्ग वाली वीडियो पर लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। जैसे कि हम थ्री डॉट पर क्लिक कर लेते हैं, थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सटर्नल ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑडियो अलग हो जाएगी इस वीडियो से। इसके बाद आपको स्क्रीन पर एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर डिलीट वाला ऑप्शन दिख रहा है, उसको डिलीट कर देना है। यहाँ पर डिलीट करने के बाद यहाँ पर वीडियो हट जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो बनकर रेडी हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पर इसको कट कर देना, सॉन्ग को, फालतू सॉन्ग को कट कर देना। थोड़ा सा कट करने के बाद आपको इसे सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मैं बता देता हूँ एक बार इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।